हेलो अस्सलाम वालेकुम, इट्स फाइन मुमताज। आज एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूँ। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अमीर बनने से रोकती है। ठीक है, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, फैक्ट्स की बेस पर बात करूंगा और अपनी रिसर्च की बेस पर बात करूंगा। इजी जबान होगी, जल्दी से वीडियो फिनिश करने की कोशिश करूंगा, आप पूरी वीडियो देखिएगा। अच्छा, पहले तो मैं आपको कुछ कहता हूँ कि हम लोग ना अक्सर सुनते हैं, आप लोग भी सुनते रहते हैं, मैं भी अक्सर ये सुनता रहता हूँ कि भाई अमीर तो वही होता है जिसके पास पहले से पैसा मौजूद हो। फिर एक बात और बहुत अक्सर सुनने को मिलती है कि पैसा ही तो पैसे को खींचता है, पैसा होगा तो पैसे हो गए। ठीक है, फिर यार मैं कुछ करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई अच्छा आइडिया नहीं है। ठीक है भाई, अगली चीज होती है जी, मैं कुछ जिस इंडस्ट्री में हूं ना वो कोई मजे की इंडस्ट्री नहीं है। लेट्स सपोज मैं तो जी मेडिकल में हूँ, मैं क्या उसमें कर लूंगा। अगर मैं कंप्यूटर साइंस में होता तो शायद मैं कोई अपना ऑनलाइन स्टोर वगैरह बना लेता और हम लोग आगे मूव करते। ठीक है भाई, ये चीजें बहुत सुनने को मिलती है। फिर जी एक और चीज, मेरे तो कनेक्शन ही नहीं है। आजकल तो सब कुछ कनेक्शन की बेस पे होता है, मैं तो लोगों को जानता ही नहीं हूँ, मैं तो घर पे रहता हूँ। ठीक, एक्सक्यूज सुन रहे हैं। फिर जो मेरा तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, या मेरे बाप आप इतने अमीर ही नहीं है कि मैं आगे कुछ काम कर सकूं। अच्छा, अब मैं कुछ बातें करूंगा, शायद कुछ कड़वी लगे कुछ लोगों को, लेकिन जो सच है वो हम सबको फेस करना है। जब तक हम सच फेस नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोगों को पीछे रखने वाली सबसे बड़ी चीज है हमारी ईगो, हमारे अंदर का गरूर, ईगो गरूर। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे भाई हमारे अंदर तो ईगो है ही नहीं, हम तो जमीन से लगे हुए लोग हैं। ठीक है, लेकिन मैं प्रूफ करूंगा कि हम सब में कुछ ना कुछ ईगो है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। आप लोग भी बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि इनमें से कौन सी ईगो है या कौन सा पॉइंट है जो आप में भी है। ठीक है, मैं आपको कमेंट्स का वेट करूंगा और आपसे इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। सबसे पहली चीज हमारे अंदर आती है ब्लेम ईगो, ब्लेम। हम लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, अपनी हर चीज के लिए किसी को इल्जाम देते हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं भाई, बाकी सब लोग खराब हैं, अगर कुछ गलत हुआ है तो हमारी वजह से नहीं हुआ, किसी और की वजह से हुआ है। सुना होगा आप लोगों ने भाई गवर्नमेंट ही खराब है, गवर्नमेंट ने किया क्या हमारे लिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम ही खराब है भाई। वो तो कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करता, एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस ही नहीं करता। इकॉनमी बहुत लो जा रही है जी मुल्क की, हमारा तो मुल्क जो है ना बस आज गया और कल गया। मेरा जो सीनियर है वो मुझे आगे नहीं बढ़ने देता। ब्लेम 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 ब्लेम, हर एक को ब्लेम करते रहो और खुद बीच में से निकल जाओ। भाई हमें ब्लेम करना छोड़ना होगा, हमें जो करंट सिचुएशन है उसी में से अपॉर्चुनिटी निकालनी होगी, हमें उसी में से आगे बढ़ना होगा। ब्लेम करते रह जाएंगे, पाकिस्तान पिछले 70 साल से ऐसा ही है, हमेशा से मैं भी सुनता आया हूँ कि अब बहुत नाजुक सूरत हाल है, इसके बाद मुश्किल हो जाएगा। पहले हमारे वालिद भी यही सुनते आए थे कि इस वक्त मुल्क जो है सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज पे है, हमें इसी में से अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, इसी में ग्रो करना है। दूसरी चीज़, नो ऑल ईगो। भाई हमें सब पता है, मैं तो भाई दानिशवर हूँ, मैं तो हकीम लुकमान हूँ, मुझे तो सब पता है। नहीं पता, हम सब में से किसी को सब पता नहीं है। हमें बुक्स पढ़नी है, हमें वीडियोस देखनी है, हमें रिसर्च करनी है। पता करो भाई, हमसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पता करो, अपने से अच्छे लोगों को फॉलो करो, उनके राह पे चलो। ये सोचना कि मुझे सारा पता है, मैं सारा पढ़ बैठा हूँ, मेरा सारा एक्सपीरियंस है, ये बिल्कुल गलत है। हम किसी को कुछ नहीं पता, थोड़ा सा 1% भी हमें नहीं पता। मैं प्लीज रीड करो, चीज़ें रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो, नेट की फैसिलिटी है, यूट्यूब वीडियोस देखो, पता कराओ चीज़ों के मुतल्लिक। फिर है जी फियरफुल ईगो, हमें ना बहुत डर लगा रहता है हर चीज़ का, ये डर हमें पीछे करता है कि भाई मैं नहीं बना सकता, मैं नहीं कर सकता, क्या हो जाएगा अगर मैं फेल हो गया ये करने में, तो क्या हो जाएगा, मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, मेरा टाइम ज़ाया होगा,
क्या हो जाएगा, क्या है ये डर, सच्ची का डर नहीं है, ये आपके माइंड का बनाया हुआ डर है। ठीक है, माइंड को ट्रेन करें, माइंड को कहें कि डर नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है, आपको इस डर से निकलना है। डर से निकलेंगे, वो क्या आजकल कमर्शियल आता है, डर के आगे जीत है। अपने माइंड के डर से निकलें, ट्राई करें। जो चीज़ मैं पिछली कुछ वीडियो में भी बता चुका हूँ कि चीज़ें ट्राई करें, पास भी होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। जो अच्छी हो उसको कैप्चर करने, जो बुरी हो उसको छोड़ दें, बट ट्राई तो करें, डरें तो नहीं। फिर जी आता है चौथा पॉइंट, कंफर्ट जोन ईगो। नाम से ही जाहिर है, हमें अपने कंफर्ट जोन में रहना है भाई। मैं तो दफ्तर में काम करता हूँ, मैं तो यही करूँगा, मैं तो 9 से 5 काम करता हूँ, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ भाई, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मुझे तो एसी में बैठ के काम करने की आदत है, मैं फील्ड में नहीं जा सकता भाई। सिंपल सी बात है, जो आपका कंफर्ट जोन है वही आपका इनकम जोन है। आप अपने कंफर्ट जोन में एडजस्ट हो गए हो, सेट हो गए हो, तो आपकी इनकम वही है, वही रहेगी। सिंपल सी चीज़ है, आगे बढ़ना है, बाहर निकलो, लोगों से मिलो, अपने कंफर्ट जोन से निकलो, बैठ के एक जगह पे मत टिको, निकलो बाहर, कंफर्ट जोन से बाहर जाओ। फिर आता है जी जजमेंटल ईगो। हम लोग ना बहुत जल्दी जज करने लग जाते हैं लोगों को। अच्छा, मैं आपसे इधर एक सवाल पूछता हूँ कि एक शां करके एक रेड फरारी आपके सामने से गुजरी है, आपके माइंड में पहली चीज क्या आएगी? वीडियो रोक के ना इधर कमेंट करके मुझे बताएं। बहुत से लोगों के मुख्तलिफ कमेंट्स होंगे, हम उस कमेंट्स को भी मैं उनको रिप्लाई करूंगा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, हम लोग क्या कहेंगे भाई, हराम का पैसा है इसके पास। ठीक है, कोई बहुत अच्छे से बोल देगा तो वो कह देगा बाप के पैसे पे मौज कर रहा भाई। नेगेटिविटी, हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ चुकी है, हम लोग नेगेटिव सोचने लग गए हैं, हमें हर चीज़ में से गलत पहलू निकालने की आदत हो गई है। ठीक है, ये चीज़ हमारे माइंड में घुस चुकी है। मैं अपनी बात करूँ, जिसकी बात करूँ, पूरे माशरे में ये चीज़ है, पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह ये चीज़ है, नेगेटिविटी। आप में से बहुत कम लोग ये सोचेंगे भाई इस बंदे ने बहुत मेहनत की होगी इस फरारी को लेने में, या बहुत मेहनत के बाद इसने ये घर बनाया है। हमेशा नेगेटिव सोचेंगे। ठीक है, नेगेटिविटी हमें बहुत पीछे ले जाती है। पॉजिटिविटी के अगर आपको उस बंदे की सक्सेस स्टोरी माइंड में आ गई या उस बंदे के लिए आ गई, तो आप सोचोगे मैं भी कर सकता हूँ यार, मैं करूँगा इंशाल्लाह, ये पॉजिटिविटी है। डोंट बी नेगेटिव। ठीक है, हर मुतालिक और कमेंट्स आपकी बताइए वैसे आपने क्या सोचा था। फिर आता है जी एक्सक्यूजेज ईगो। हमें एक्सक्यूज करने की बड़ी आदत है, हम लोग ना हर चीज में एक्सक्यूज ढूंढते हैं। मैं आपसे कहूँ ना कि यार साल के एंड में आपने हर महीने 5 लाख रुपए कमा के मुझे दिखाना है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये कही जाएगी, नहीं सर 5 लाख तो मुमकिन ही नहीं है, कम कर लें, 5 लाख नहीं हो सकते सर, मैं नहीं कर सकता सर, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है सर, मैं खुश हूँ। ठीक है, बहुत से एक्सक्यूज़ हो सकते हैं, एक्सक्यूज़ आप जितने मर्जी निकाल लें, सर ये बिजनेस आइडिया अच्छा नहीं है, सर ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, सर पैसे ज़्यादा लग रहे हैं, पैसे में इतने मैं रिस्क नहीं ले सकता, कुछ भी एक्सक्यूज़ निकाल सकते हैं, लेकिन यू नीड ओनली वन रीज़न कि आप वो कर सकते हैं, और वो ये है कि आपको अपने आप पे ट्रस्ट है, आप कर लोगे। ठीक है, एक्सक्यूज बहुत सारे हैं, एक्सक्यूज आप हज़ारों दे सकते हैं किसी के मुतलिक। हम स्कूल में काम करके जाते नहीं थे ना, तो हमारे पास बहुत एक्सक्यूजेज होते थे, हम नहीं कर सकते सर, हम नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं है। ठीक है, मेरे भी बस की बात नहीं है भाई। एक्सक्यूज जब निकलता है ना, तो उसका सोल्यूशन भी निकलता है। आप करके जाएं, जब आप करके जाएंगे तो आपको किसी एक्सक्यूज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब आप करेंगे तो। फिर हमारे पास आता है जी पीपल प्लीजिंग ईगो। हमें लोगों को खुश करने की बहुत आदत है। लोग वो क्या पुराने मुहावरे बने हुए हैं कि लोग कभी खुश नहीं होते। ठीक है, आप सबको खुश नहीं कर सकते, आप सबको खुश नहीं करना चाहिए आपको। बी अ
लिटल बिट सेल्फिश, थोड़ा बहुत सेल्फिश हो जाएं। सेल्फिश होना बुरी बात नहीं है, अपना ख्याल करेंगे तो दूसरों का ख्याल कर पाएंगे ना, ठीक है। लोगों को खुश करने की कोशिश मत करें, अपने लिए भी सोचें, अपने लिए सोचेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, इसमें से कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको लगे कि यार नहीं, ये आपने बात ठीक नहीं की, आप नीचे मेरे से पूछें, मैं आपसे इंशाल्लाह जवाब दूंगा। अच्छा, फिर जस्टिफिकेशन ईगो, हम लोग फेल होते हैं ना तो हमारे पास जस्टिफिकेशंस बहुत होती हैं, ठीक है। सर मैं ना, मेरी एक फैमिली है, मैंने उसको टाइम देना होता, मैं नहीं कर सकता। सर मुझे तो अंग्रेजी सही नहीं आती, मैं क्या करूँगा। सर जी मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। सर जी मेरे तो बच्चे हैं, मैं बच्चे क्या बच्चों को छोड़ के जाऊँ, मैं नहीं जा सकता। अच्छा, जस्टिफिकेशन देना है, बच्चे जो हैं या आपकी फैमिली जो है ये आपकी पावर है, आपकी वीकनेस नहीं है। डोंट मेक इट अ वीकनेस, इसको अपनी पावर बनाएं, अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। आप जो करेंगे वो उनके लिए भी करेंगे, अपने लिए तो करेंगे करेंगे, उनके लिए भी करेंगे, तो उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, वीकनेस ना बनाएं। सोचें कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, मुझे अपने घर वालों के लिए कुछ करना है, उनको एक अच्छी लाइफ देनी है, उनके लिए अपने आप को पूरा उसमें डाल दें जो काम भी कर रहे हैं। और ये जस्टिफिकेशन कि यार मैं इनकी वजह से नहीं कर पाता, मैं अपने बच्चों की वजह से नहीं कर पाता, मैं अपनी वाइफ की वजह से नहीं कर पाता, मेरे फैमिली को टाइम देना होता है, इट्स नॉट अ गुड जस्टिफिकेशन। इस तरह और भी बहुत सी जस्टिफिकेशन है। सर जी बत्ती चली गई थी, काम नहीं हुआ। सर जी वो ट्रैफिक आ गई थी, काम नहीं हुआ। कुछ भी, बहुत सी जस्टिफिकेशन है। डोंट जस्टिफाई, काम करके दिखाएं, ठीक है। फिर एक और बहुत सी चीज़ है, जेलस ईगो। हमें ना बहुत जेलसी होती है कामयाब लोगों से, सबको होती है। यार ये कामयाब क्यों है, इसकी आशिम वो क्या पंजाबी में कहते हैं, नमूना मथा, कुछ भी नहीं है इसका, ये इतना कामयाब कैसे है, ठीक है भाई। ये तो भाई बड़ा लालची आदमी है जी। हम लोग वही बात, हम उसको ना वो देना शुरू कर देते हैं, खिताब देना शुरू कर देते हैं, ये तो बड़ा लालची आदमी है जी, बड़ा ही सेल्फिश आदमी है जी, बड़ा ही मतलबी है ये, ठीक है। क्यों भाई, आप क्यों जेलस हो रहे हैं उनसे? जब आप वैसे नहीं हैं तो आप उनसे जेलस मत हों। उनको अपना एक आइडियल बनाएं, उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। आप उनसे जेलस होंगे तो जिससे आप जेलस हो रहे हैं आप वैसा बनने कैसे बनेंगे? आपको उनके फुटस्टेप फॉलो करने हैं, उनकी तरह बनना है, उनसे अच्छा बनना है। डोंट बी जेलस, किसी को कुछ जजमेंटल होने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं जब आप उस पोजीशन पे कभी थे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है वो पोजीशन क्या है, उसमें क्या है, क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपने आप में नेगेटिविटी पैदा कर रहे हैं, डोंट डू दैट। दसवां पॉइंट है फेक ईगो। हम लोग ना बहुत फेक बन जाते हैं कभी कभी। मेरे पास पैसे नहीं है ना, अमीर नहीं हूं मैं, तो मैं दूसरों के सामने शो करने की कोशिश करूंगा भाई मैं तो बड़ा अमीर हूं, ठीक है, या मेरे में तो बहुत नॉलेज है, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट किस्म का आदमी हूं। एक अपनी फेक पर्सनैलिटी पेश करेंगे लोगों के सामने, ये फेक पर्सनैलिटी हमें मार देगी। डोंट बी फेक, वो एक मशहूर कहावत है कि लोग मुझे नफरत करते हुए नफरत करें मेरे से जो मैं हूं, ना कि मोहब्बत करें मेरे से जो कि मैं नहीं हूं, ठीक है। तो जो नहीं है डोंट बी दैट। कुछ अरसे बाद आपको खुद लगेगा आप फेक बनते जाएंगे, आपको अपनी पर्सनैलिटी याद नहीं रहेगी, आप फेक 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 बन जाएंगे, एक फेक किस्म के इंसान रह जाएंगे। अक्सर हमें लोग मिलते हैं कुछ जुमलों के बाद हमें लगता है कि यार ये फेक बंदा है, ये गलत बात कर रहा है, ये बनावटी है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो दो चार मिनट के कन्वर्सेशन के बाद हमें उनसे हम इंस्पायर हो जाते हैं। ऐसा बंदा बने जिनसे आप इंस्पायर हो। फेक लोगों को पहचाना जाता है, कभी भी वो आगे नहीं बढ़ पाते। अच्छा, उसके बाद है शाय ईगो। हम लोग ना बहुत शाय रहते हैं, शर्म आती है भाई हमें। क्यों आती है भाई शर्म? यार मुझे तो बात करने की तमीज़ ही नहीं है, मैं बात तमीज़ क्या, बात करनी नहीं आती मुझे, ठीक है। मैं कैसे दूसरे लोगों से बात करूँगा भाई, खातून से बात करना हेल ऑफ डिफरेंस। मुझे तो अंग्रेज़ी नहीं आती, ठीक है, मेरी तो एक्सेंट ठीक नहीं है, मैं तो जी आज अच्छे कपड़े पहन के नहीं आया, ठीक है, मैं तो अच्छा लग ही नहीं रहा। हम लोगों में शर्म आती रहती है,
हम लोग उस शर्म में ना बस शर्माते रह जाते हैं। अपनी शर्म को हमें काबू करना है, हमें नहीं शर्माना। जो हो जैसे हो स्टार्ट करो, स्टार्ट करोगे तो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करोगे ना। पहला कदम ही नहीं रखोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? डोंट बी शाय, प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो। ठीक है, चीजें इंप्रूव करते रहो टाइम में, ये नहीं कहता कि एक जगह स्टिल हो जाओ, लेकिन कहीं से स्टार्ट तो करो। स्टार्ट तो वहीं से होगा जहां से आपने पहला कदम रखा है, उसमें बहुत सी चीजें खराब होंगी, ऐसा ऐसा इंप्रूव होंगी। फिर बारवा पॉइंट है जी, पीपल ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या ख्याल है मेरे बारे में। मैं तो जी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, उड़ाएंगे बिल्कुल उड़ाएंगे, बहुत सी चीज़ों को क्रिटिसाइज करेंगे जी। लाइटिंग अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है जी, आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने, अपनी दाढ़ी सेट नहीं कराई, कुछ बहुत सी चीज़ें क्रिटिसाइज होंगी। ठीक है, करने दें, हेट कमेंट्स आएंगे, बर्दाश्त करें। लोग बुरा कहेंगे आपको जिस भी फील्ड में है, यार मेरी फैमिली क्या सोचेगी, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, कमेंट्स क्या आएंगे भाई। जब आएंगे आप उनको बर्दाश्त करें, उनसे लर्न करें और इम्प्रूव करें। ठीक है, उनसे घबराएं नहीं, लोगों का काम है कहना, आपका काम है बढ़ते जाना, बढ़ते जाओ। फिर एक लास्ट पॉइंट है, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट जो है वो ये है, ये सबसे कॉमन पॉइंट भी है, डू इट योर सेल्फ ईगो। हमें ना हर चीज खुद करने की आदत है, हम लोग अपने आप को समझते हैं कि पता नहीं हम क्या टॉप चीज हैं। हम लोगों को एक ये पॉइंट है, दूसरी खुद करने की आदत है, हम दूसरों पर ट्रस्ट नहीं होता। हम किसी को काम देते हैं तो हमें शक ही लगा रहता है कि यार ये काम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जब तक आप दूसरों को काम नहीं देंगे वो काम नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, कोई इसमें बनावटी या कोई बात नहीं है। दूसरों को काम दें, उन पर ट्रस्ट करें, कुछ गलत लोग भी मिलेंगे, कुछ अच्छे लोग भी मिलेंगे। जो अच्छे लोग मिलेंगे वो आपको इतना आगे ले जाएंगे कि गलत लोग उतना पीछे नहीं ले जा सकेंगे। कैलकुलेटेड रिस्क लें, दूसरों पर ट्रस्ट करें, अपने कारोबार को बढ़ाएं। अब आप लोगों को कुछ अंदाजा हो गया होगा कि हम लोगों में ईगोज हैं, हम लोग ईगो का शिकार हैं सब लोग एज अ कॉम। और अगर अभी भी आपको लगता है कि आप में ईगो नहीं है तो बिलीव मी, आप में ईगो है, आपको यही रोके हुए है। ठीक है, ये सारे पॉइंट अवॉइड करें तो आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आगे बढ़ेंगे और जरूर अमीर होंगे। बी रिच, बी हैप्पी, बी सक्सेसफुल। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप में कौन सी ईगोज हैं। थैंक यू वेरी मच, जजाकअल्लाह।